ये क्या पाकिस्तान वाकिस्तान की बात कर रहे थे? पाकिस्तान के किसी हरकत पे कोई भी हैरानी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिसका नेचर रहता है वो अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। तो मैंने चार लाइनें पाकिस्तान के नेचर के लिए लिखा। मैंने लिखा कि है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, है गुरुजी आप थोड़ा सा हाथ खोलेंगे तो आपकी तालीम चाहिए मुझको। है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना, जन्म से जो कमीना है कमीनापन दिखाएगा। इससे ज्यादा क्या कहे पाकिस्तान पे। बहरहाल सब छोड़िए, हमारे बीच मंच पर एक ऐसा भी रचनाकार है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है लेकिन ऊपर का माला साफ है, वो टोपी से टोपी लगाकर छिपाते है कि नहीं है? अच्छा अभी थोड़ा बहुत बचा है। और ये कहते हैं कि बाल ना होना ये मतलब अपमान की बात नहीं है, सम्मान की बात है। तो किस तरह सम्मान की बात है, सलीम शिवालवी जी खुद माइक पर आके बताएंगे। एक बार जोरदार तालियां सलीम शिवालवी के लिए। बहरहाल सर पे बाल की बात हो रही थी, मायावती की बात हुई। आज की पत्रिका जो है 1 अप्रैल, उसमें इनकी बड़ी मजेदार बातें छपी हैं। आप लोग जाते जाते किनारे से ले जाइएगा, पढ़िए गुरु। बहरहाल कुछ पंक्तियां हाजिर करना चाहता हूँ, उससे पहले 4 पंक्तियां आपसे सुनना। स्वागत स्वागत स्वागत। हमने का प्याम लीजिए, वाह एहसास दिला दीजिएगा कि कोई उन्नाव से आया, कोई प्रयागराज से आया, कोई गाजीपुर से आया, कोई बाराबंकी से आया। ये एहसास दिलाइएगा कि काशी भी जिंदाबाद है। अरे अभी 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 भारत अभी अभी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के दत्तक पुत्र अरमान अहमद भी आ गए हैं आपको सुनने के लिए। स्वागत है। हमने का प्याम लीजिए, एकता का जाम लीजिए। हमने का प्याम लीजिए, एकता का जाम लीजिए। बज्म के ऐ सारे प्रियजनों, बज्म के ऐ सारे प्रियजनों, सलीम का सलाम लीजिए। बज्म के हाँ भाई साहब खींच लीजिए। चलिए यहीं से शुरू हो जाता हूँ, 4 पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ। ये जब जब कैमरा उठाएंगे तो दाढ़ी टोपी वाला इनको याद आएगा। हाजिर कर रहा हूँ थोड़ा हंसने हंसाने के लिए, महामूर्ख सम्मेलन 2022, ध्यान दीजिएगा। कि पास उसके भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा। पास उसके भी कैमरा होगा, सीन कुछ खास ले रहा होगा। ये यहाँ खींच रहे हैं फोटो, घर कोई और खींचता। क्या बात है, हरा हरा महादेव। कुछ कहा था हुआ का भैया? देखिए भैया बैठे हुए हैं, सर की बाल के बारे में बात कर रहे थे, श्याम लाल जी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं किसी का अपमान नहीं करता भाई साहब। सम्मान में पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ और भाई साहब आप जरूर ताली बजाइएगा, एहसास दिलाइएगा। सुने थोड़ा सा हास्य का माहौल दे दे, दो चार हम बनारस के हैं, दो चार मुक्तक सुन लेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। के फसल जब उग नहीं सकती, फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। थोड़ा सा एहसास दिलाइए। के फसल जब उग नहीं सकती
तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें के पानी भर नहीं सकता, ये ऐसा खेत है जिसमें के पानी भर नहीं सकता। जब इनकी दोष तो सर पर नहीं एक बाल भी बाकी, जब इनकी दोष तो सर पर नहीं एक बाल भी बाकी, अरे कोई भी सूरमा हो बाल बाका करे नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, भाई साहब आपकी ताली चाहिए, मैंने आपके सम्मान में पंक्ति, ये हुई बात। एक बार उधर उधर भैया, उधर उधर भी जोरदार उनके सम्मान में एक बार हो जाना चाहिए। हालांकि बाल उगने न उगने में औरतों का बहुत बड़ा योगदान होता है भाई साहब। अगर पत्नी माँ अगर हाथ फेर दे तो बाल उग आते हैं, क्या बात है। और अगर पत्नी फेर दे तो लेकिन भैया को तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मोहल्ले फेर दिया। जिंदाबाद, क्या बात है। अच्छा भाई साहब फर सुना रहे थे तो ये भैया बड़े मस्ती से हंस रहे थे, एकदम टनाटन रंगवा करके। चार पंक्ति हाजिर कर रहा हूँ, स्वागत है। मैं किसी का अपमान नहीं करता, सम्मान में हाजिर कर रहा हूँ, स्वागत है। हाँ भैया, आप के लिए खून में अब रवानी नहीं आने वाली। वाह, एक फैशन हो गया भाई साहब। भैया 60 साल 65 साल 70 साल के हैं और डेंट पेंट करवा के फर्स्ट क्लास 22 साल के हो जा रहे हैं। भैया रंगवैले हुआ ना। हाँ वही वही, एकदम फैशन है भाई साहब। लेकिन मैं हाजिर कर रहा हूँ, सुने। स्वागत। ये खून में अब वो रवानी नहीं आने वाली, वो हंसी रात सुहानी नहीं आने वाली, वो हंसी रात सुहानी नहीं आने वाली। बाल रंगवा के कोई लाख भी काला कर ले, लौट कर फिर से जवानी नहीं आने। क्या बात है, वाह 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 वाह। मायावती की बात हो रही थी भाई साहब, चार पंक्ति मैं भी हाजिर करना चाहता हूँ। नहीं मानेंगे ऐसा कुछ है नहीं। देखिए वो अकेली इस समय हो चुकी है, उनको एक सहयोगी चाहिए, तो अगर बैठे हुए तो क्या हर्ज है। लेकिन सुने अरमान, अरमान भाई, अरमान अहमद साहब उन्हीं पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए तो हाजिर कर रहा हूँ। सुने, अगर वाकई सही कह गए हो तो जोरदार समर्थन दीजिएगा। स्वागत, स्वागत है, स्वागत है। ये तनहा ये जिंदगी, हम तमाम उत्तर प्रदेश के लोग बहन जी कहते हैं बेचारी आज तक कुंवारी रही, ध्यान दीजिएगा। तनहा ये जिंदगी को गुजारी नहीं होती, एक नौजवान के वास्ते भारी नहीं होती, तनहा ये जिंदगी को गुजारी नहीं होती, एक नौजवान के वास्ते भारी नहीं होती। अरे रहती अगर बिहार में मायावती जनाब, दावा है अब तलक ये कुंवारी नहीं होती। अच्छा लग रहा है कि जितने लोग ताली बजाएं वो लोग बिहार के हैं। यूपी का हूं। अरे यार ताऊर बजावे के तुम्हें दाग लगल हो। बहरहाल चंद पंक्तियां और हाजिर करना चाहता हूँ। कश्मीर की बात हो रही थी, सकल डीहा के वन उनकर सकल डी बाबा के तरह लगत हो। ये तो आप ही बता सकते हैं, इसलिए कौन डी है और कौन पी पी है। बहरा सुने, स्वागत। एक कश्मीरी लेने का जो ख्वाब देखते हो मिया, अरमान भाई अभी एक देशभक्त को सुने आपने, मैं भी हाजिर कर रहा हूँ पंक्तियां।
एक क्षण ताजा ताजा पहले, उसके बाद हाजिर करूंगा। इलेक्शन में निकल आए कहीं बिच्छू कहीं गोजर। दमदार भाई एकदम बिल्कुल नया मुद्दा हाजिर कर रहा हूं, सुने। इलेक्शन में निकल आए कहीं बिच्छू कहीं गोजर, किसी का रंग नीला था किसी पे था लगा गोबर। मुक्तक को समझे, ध्यान दे, अच्छा लगेगा, समझ जाइएगा। कि इलेक्शन में निकल आए कहीं बिच्छू कहीं गोजर, और किसी का रंग नीला था किसी पे था लगा गोबर। न फैले गंदगी इस वास्ते इन सारे कचरों का, तबीयत से सफाया कर गया बाबा का बुलडोजर। तबीयत से सफाया कर गया बाबा। क्या बात है, क्या बात है। लग रहा है समझे नहीं, अगर समझ गए तो, अगर बाद में भी समझ गए तो एक बार बजा दीजिए, साथ दिला दीजिए। क्या बात। एक मुक्तक और हाजिर कर रहा हूं के शुक्रिया शुक्रिया के हुकूमत हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। इलेक्शन में अमित शाह जी अगर 15 दिन 20 दिन पहले किसी भी प्रांत में चले जाएं और वहां इलेक्शन करवा दीजिए, जो रिजल्ट आता है आप सभी लोगों को मालूम है। आप समझ गए हो तो एक बार पहले बजाइए उस मुक्तक से पहले। क्या बात। और अभी कश्मीर समस्या में हल करने जा रहा हूं। स्वागत। के हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए। वाह। हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। वाह वाह। हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। चले जाएं अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए। कश्मीर की बात उठी गई है, मैं हाजिर करना चाहता हूँ दो तीन मुक्तक के। जब भी शेरे वतन निकले, भारत है भाई साहब, जब भी शेरे वतन निकलते हैं बन के 16 फेकन निकलते हैं। वाह। ताली उस पार तक जानी चाहिए भाई साहब। कि जब भी शेरे वतन निकलते हैं बन के 16 फेकन निकलते हैं, इनको मरने का गम नहीं होता, सर पे बांधे कफन निकलते हैं। बहुत बढ़िया बाबा। सर पे बांधे। और कश्मीर की बात, कश्मीरी लेने का जो ख्वाब देखते हो मियाँ, जिंदगी में ख्वाब नहीं पूरा कर पाओगे। भैया की देशभक्ति देखा था, आपके सामने एक बंदा खड़ा है उसकी भी देशभक्ति देखिए। स्वागत। कि कश्मीरी लेने का जो ख्वाब देखते हो मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, इसी की कमी हो रही है। स्वागत है। कश्मीरी लेने का जो ख्वाब देखते हो मियाँ, जिंदगी में ख्वाब नहीं पूरा कर पाओगे, एक कतरा भी लहू जिस्म में जो बाकी रहा, कश्मीरी लेना तो क्या छू भी नहीं पाओगे, कश्मीरी लेना तो क्या छू भी नहीं पाओगे। अरे कश्मीरी घाटी सुनो, हिंद का है सरताज, कश्मीरी घाटी सुनो, हिंद का है सरताज, इसे घर छेड़ोगे जहां से मिट जाओगे। अरे राम का है देश, यहां हनुमान रहते हैं, रावणों की लंका भांति फूंक दिए जाओ। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक मुक्तक और, जब बात उठी गई है हाजिर कर रहा हूँ। कि नफरतों की तोड़ डालो अब यहाँ जंजीर को, अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को। वाह। नफरतों की तोड़ डालो अब यहाँ जंजीर को, अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को। और जब वतन का बच्चा बच्चा जान इशारे हिंद है, तो पाक में हिम्मत कहाँ जो छीन ले कश्मीर को। पाक में हिम्मत कहाँ। और एक मुक्तक और हाजिर करना, दो मुक्तक पढ़ के विदा लेना चाहता हूँ। स्वागत है। क्या भैया,
अब का ये सब तो हास्य हो भैया। मोहब्बत हो, देखिए हास्य की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें ओज भी है और हास्य भी है, एक मुक्तक में दो रंग हाजिर कर रहा हूँ। स्वागत है भैया, देखेंगे स्वागत है। ये पाकिस्तानियों सुनो, मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं। वाह, मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, न हो उल्फत तो फिर जूता लिए तैयार। है 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 है। हो गया भैया। मोहब्बत हो तो हम लेकर गले का हार बैठे हैं, न हो उल्फत तो फिर जूता लिए तैयार बैठे हैं। तबाही या सुकून, तबाही या सुकून, जो चाहते हो मुंतखब कर लो, सभी से हम निपटने का लिए हथियार बैठे हैं। सभी से हम निपटने का लिए हथियार बैठे हैं, क्योंकि ये भारत है, यहाँ हर कौम के दीदार रहते हैं। बहुत बढ़िया। ये भारत है, यहाँ हर कौम के दीदार रहते हैं, ये गफलत में नहीं हरदम सुनो बेदार रहते हैं। अरे तुम अपने भेड़ियों को पाक में ही बांध कर रखो, हमारी सरहदों पे शेर नर पुकार रहते हैं हमारी। और आखिर मुक्तक पढ़ के आपसे विदा लेना चाहता हूँ कि ठीक है आप सनातन में हैं, आप रहे, हम इस्लाम में हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो जैन है, जो जहाँ है रहे, दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे। मजबूत बात हो तो साथ दे दीजिएगा कि दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे, हर एक सांस इसी अंजुमन के साथ रहे, मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा, मरूं मैं जब भी तिरंगा कफन के साथ रहे। वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।